फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और कैसे आप उनसे शादी कर सकते हैं और अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़कियों का नंबर आपको कैसे मिल सकता है, तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि अनाथ आश्रम की लड़कियों से शादी करना एक बहुत पुण्य का काम है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ा पुण्य करेंगे, क्योंकि ऐसी लड़कियों को घर मिल जाता है, पिता मिल जाते हैं और पूरा परिवार मिल जाता है। तो अगर आप किसी अनाथ आश्रम की लड़की से शादी करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही पुण्य का काम करेंगे। अब बात करते हैं कि अनाथ आश्रम की लड़कियों से शादी कैसे कर सकते हैं और उनसे कॉन्टेक्ट कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहले ये सर्च करना पड़ेगा कि आपके जिले में अनाथ आश्रम कहाँ पर है। उसके लिए या तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या अपने आसपास लोगों से पता कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको आपके जिले में, आपके शहर में अनाथ आश्रम कहाँ पर है, जहाँ पर आप जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सामने से भी, या उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है उसमें भी कॉल कर सकते हैं और अपनी शादी की इच्छा को बता सकते हैं। और उसके बाद आप अपने परिवार को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके परिवार वाले तैयार हैं तो आप अनाथ आश्रम में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ पे फॉलो करा जा रहा होगा, जो भी फॉर्म्स भरने होंगे, वो भरने के बाद आपको वहाँ का जो अनाथ आश्रम का जो डायरेक्टर होगा या उसको बोलते हैं मुखिया होगा, अगर वो इन सारे जो पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा अप्रूव कर देता है तो आप जाकर अनाथ आश्रम की लड़की से शादी कर सकते हैं। यानी कि प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, आपकी जांच पड़ताल होती है कि आप इस लड़की के से शादी करने लायक हैं या नहीं है, आपके पास प्रॉपर घर है या नहीं है, आप उसकी जीविका को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, या आपका जो कैरेक्टर है वो सही है या नहीं है, इन सारी चीजों की जानकारी वो प्रॉपर सर्च करने के बाद, प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही वो राजी अगर होते हैं तो आप अनाथ आश्रम की लड़की से शादी कर सकती हैं। उसके बाद बात करें कि अनाथ आश्रम की लड़की का नंबर कैसे मिलेगा आपको, तो वो आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि ये कहीं पर भी अलाउ नहीं है। उसके लिए आपको अनाथ आश्रम जाना पड़ेगा, पहले सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको शादी करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो ठीक है, अगर आप रेडी भी हैं और सारे जो पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट हो गए हैं और आपने शादी कर ली है तो जाकर आप जो नंबर लड़की को देंगे वही उसके पास रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अनाथ आश्रम की लड़की का नंबर आपको कहीं से मिल जाए। तो गाइज, आज के वीडियो में मैंने ये बताया कि अगर आप अनाथ आश्रम की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं और ये एक पुण्य का भी काम है और किसी लड़की का जो भाग्य है वो भी खुल जाएगा। उसके लिए आपको गूगल में सर्च कर लीजिए, लोगों से पता कर लीजिए, अगर आपके शहर में अनाथ आश्रम नहीं है तो किसी दूसरे शहर में जो आपके पास के शहर या जिले में हो वहां जाकर पता करिए। तो गूगल से क्या होगा और लोगों से क्या होगा, तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा और अगर कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया हो तो आप डायरेक्ट अनाथ आश्रम में जाकर भी बात कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।